नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं सिटी लाइव, आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि हर रोज हम आपको अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं, अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम बुलाकर किसी एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज आपकी बात हमारे साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अलग अलग, चाहे वो कल्चरल की बात करें, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी से आप किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं? आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनकी भावनाएं आहत कर सकते हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि अभी देश में तांडव चल रहा है, यानी कि वेब सीरीज जो तांडव आई है उसका लगातार कुछ दिनों से, यानी कि 15 जनवरी को ये रिलीज हुई थी वेब सीरीज, और उसके बाद से लगातार जो है इसका विरोध जारी है। तो आखिर तांडव पर तांडव क्यों, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है मुंबई से फिल्म अभिनेता अरविंद कुमार वाघेला, और साथ में है बीजेपी के डॉक्टर आलोक भारद्वाज जो कि भाजपा के समर्थक हैं, और हमारे साथ में सनातन धर्म की जो समर्थक हैं आप हैं पारस हेमलता जी जो कि जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप तीनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अरविंद जी, क्योंकि फिल्मों की बात है तो मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आप क्योंकि फिल्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप फिल्म अभिनेता हैं, आपने कई फिल्म निर्देशन भी किया है, आप प्रोड्यूसर भी रहे हैं और आप अच्छे लेखक भी हैं, चाहे गीतकार हो, चाहे आपका लेखन भी बहुत अच्छा है, लगातार दर्शक जो हमारे देश के हैं वो आपको काफी पसंद करते रहते हैं और आप चहेते अभिनेताओं में से एक हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो तांडव फिल्म को लेकर जो तांडव चल रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी का नमस्कार, दीपक भाई आपका भी, और मैं आपके साथ जुड़ने के लिए सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट कि आप एक न्यूज एंकर के साथ साथ एक देश के वो जिम्मेदार व्यक्ति है कि मैंने कई बार आपकी पोस्ट को मैंने देखा है कि आप जो गलत होता है, चाहे आपका कैसे कितने क्लोज फ्रेंड होते आप उनको बात क्लियर करते हो, इसलिए मैं आज आपके साथ जो बात कहूंगा वो खुल के कहूंगा। बिल्कुल, मैं फिल्म लाइन से हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैं फिल्म लाइन में रेके फिल्म लाइन जैसा नहीं हूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने जिस बिजनेस में होते हैं, आप मानते हैं कि फिल्म लाइन गलत है, आपने खुद ने कहा कि मैं फिल्म लाइन में रखे फिल्म लाइन जैसा नहीं हूं, इसका मतलब वहां जो अराजक तत्व बैठे हुए हैं उनको आप स्वीकार कर लिया आपने। आलोक जी, मैं चाहता हूं एक बार एक एक मिनट सभी अपनी बात रख लें, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे। जी अरविंद जी, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं कि मैं उसमें होके भी उसके जैसा नहीं हूं और मैं नहीं होके भी वो हूं, तो यानी मेरा क्लियर है कि मैं सुनता अपने दिल की हूं, अपनी आत्मा का हूं। आप कोई भी काम करते हो उसमें अच्छा बुरा ये 100% होता है, इसलिए फिल्म लाइन को आप सिर्फ टारगेट ना कीजिए कि फिल्म लाइन में सारा सब कुछ होता है, चाहे बिजनेस पकड़ लिए, नौकरी पकड़ लिए या फिर पॉलिटिक्स पकड़ लिए, सब में ही होता है। लेकिन फिल्म लाइन को लेके मैं इस देश में खास करके अपने हिंदुस्तान के तमाम जो चाहे पॉलिटिशियंस हो या फिर जो इनके समर्थक है उन सबको मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ये तांडव जैसी फिल्में आती है, उसके पहले कई फिल्में ऐसी भी आई है जिसके अंदर इतनी मजाकें उड़ाई जाती है, किसी भी धर्म की हो, अब आप आगे आके उसको बैन करके फिर आप पब्लिक के रिव्यू लीजिए, आप क्या करते हैं इसको कंट्रोवर्शियल बनाने में और सपोर्ट करते हैं। पर यहां पर कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में आप जब गलत चीज को प्रमोट करते हो तो प्रमोट करते 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 लोगों के बीच में और उनको एक्सपोज दिलाते हो, तो अगर सरकार है, अरविंद जी ये बात सिर्फ तांडव को लेकर नहीं है, तांडव वेब सीरीज को लेकर नहीं है, इससे पहले भी चाहे हम 1970 से जब मेरा जन्म हुआ था उस समय से हम बात करें तो उस समय से इस तरह की फिल्में बन रही है। ये मैंने इंडायरेक्टली आपको क्या बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है, आप पीके देख लीजिए, ओ माय गॉड देख लीजिए, ऐसी कई फिल्में हैं, कई फिल्में हैं जिसमें भगवान के साथ ऐसी मजाक की जाती है या किसी मस्जिद में मजाक की जाती है। मैं ये कहता हूं कि इस देश के अंदर एक चीज धर्म जो मैं टोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मस्जिद में ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसमें मस्जिद का मजाक उड़ाया गया था? मुझे ऐसी याद नहीं है कि किसी मस्जिद का मजाक उड़ाया गया, जिसमें किसी का मजाक उड़ाया गया। अरविंद जी एक भी बता दीजिए ना आप, अरविंद जी मैं आपको दे रहा हूं, हमको लगता है कि किसी चर्च में या
इस तरह की जो बात की जाती है, हालांकि अरविंद जी मान रहे हैं कि इस तरह की मजाक नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको अभी एक जनरल एग्जांपल दिया जी, मैंने ये नहीं कहा कि मस्जिद में होता है या वहां नहीं होता या वहां नहीं होता, मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म के अंदर मजाक नहीं होनी चाहिए, किसी को भी आप हास्य बना के इस तरह की प्रेजेंटेशन मत रखिए। अभी मैं आपको कहता हूं कि मैं एक हिंदू होने के नाते मैं शिव जी का ये जो तांडव जो जिस तरह से इन्होंने किया, पहले गौर निंदा तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि इनको माफ ही नहीं करना चाहिए। गौर निंदा से क्या होता है, हमारे देश में सारे जैसा भी जो अभी आलोक जी है या फिर सनातन धर्म जी पारस जी कर रही है, हेमलता जी कर रही है, लेकिन ये आलोचना से क्या होगा। आप सत्ता में बैठे हैं, आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए तांडव को बैंड, सारे यूट्यूब से हटा दीजिए, सब हटा दिए। आप कहते हैं वो कोर्ट में, वहां उन्होंने केस किया, वहां से किया, यानी आप तो उनको और प्रमोट कर रहे हैं, जिनको नहीं पता वो प्रमोट कर रहे हैं। आपकी बात से सहमत हूं कि इस तरह के जो राइटर हैं, जो निर्देशक हैं, जो लेखक हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मैं अब सीधा आलोक जी आपका रुख करना चाहता हूं, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है, यानी कि आप जिसको समर्थन कर देते हैं उसकी सरकार है, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी उनके अधीन ही आता है, उसके बावजूद हम लगातार देख रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मुख्यमंत्री और आलोक जी आप जैसे बीजेपी के नेता। क्या आपकी केंद्र में सरकार है, आपके लोग बैठे हैं, आपके मंत्री हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का तांडव हो रहा है, तो क्या आप सड़क पर उतरने से पहले अपने मंत्रियों के पास या अपनी सरकार के पास नहीं जा सकते थे, उनको ये नहीं कह सकते थे कि इस तरह की फिल्मों को बैन करना चाहिए। देखिए दीपक जी, आपको मैंने सुना, अरविंद जी को मैंने सुना, पूरा देश सुन रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। तो आपने जो बात कही ना कि अभी की मंत्री वाली बात, तो मैं पहले उस पर कह दूं कि ऐसा नहीं है, है ना, कि आप बैन है, बैन होगा प्रक्रिया उसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उस निर्देशक से, उस अपर्णा पुरोहित से, उस अब्बास जफर से सबको नोटिस भेजा है, आपकी जानकारी में होगी, सबको पहले ही भेजा हुआ सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। उस पर दीपक जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूं, दीपक जी सरकार कभी मौन रही, आप कह रहे हैं कि सरकार क्यों मौन रही। देखिए आप मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको सुना अरविंद जी, आप मेरी बात सुना, सबसे बड़ी बात है कि इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो देश के सम्मान करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दीपक जी आप सुनिए, आपने कहा कि बैन करा दीजिए, किस किस को बैन करा है, सबसे बड़ी बात है कि उस मानसिकता को खत्म करना होगा। अभी क्या हो रहा है, हिंदू संस्कृति के ऊपर एक कुठाराघात की, जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है ना वो आके आड़ के लगा देंगे, अरे साहब ये हिंदूवादी है, ये है, मतलब हमारे को तो हमारे नाम का तो हमेशा दुरुपयोग किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब काम करना चाहती है देश के लिए तो उसको कहा जाता है कि हम अपना स्वार्थ देखते हैं, कभी नहीं, हमने अपना स्वार्थ कभी नहीं देखा। आप देखिए कि पुरानी, आपने भी पढ़ा होगा, गडकरी का लेख हुआ करता था, मिस्टर ए गडकर थे, मैंने बचपन में एक चीज पढ़ी, उनकी एक लाइन मुझे याद आती है कि योर लिबर्टी एंड वेयर माय नोज बिगिन, जब हमारी नाक पे आ जाता ना, हिंदू को आज तक सहिष्णु समझा गया, विनम्र समझा गया। मैं तो अरविंद जी आप बैठे हैं या बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उस अब्बास अली जाफर से, उस सैफ अली खान से उसे कहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है आप आइए, अभी हम बात करते हैं, आप आर्टिकल 25 में जोड़ते हैं, से की बात करते हैं। अली अब्बास जफर जी के अलावा भी जो लेखक है वो है हिमांशु किशन मेहरा जी, उनका भी नाम लीजिए आप, सिर्फ दो नाम। देखिए अभी 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 मैंने ऐसा नहीं है उस हिमांशु किशन मेहरा की बात रही, आपने कहा कि उनका नाम दे दिए, वो बेचारा नौकरी कर रहा है मेन का ना, आप ही देखिए, आप नौकरी के नाम से नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए कि क्या आप लोगों में, आप है ना बॉलीवुड की बात कर रहे थे कि साहब मैं तो फिल्म लाइन से अलग हूँ, इसका आपने स्वीकार किया था अभी अपने ही शब्दों में अरविंद जी, कि उस लाइन के अंदर बैठे हुए कुछ जो अराजक लोग हैं, क्या तीन ही लोगों के ऊपर पूरी कॉलोनी चल रही है, क्या तीन ही लोगों के ऊपर मैं फिर नाम लूंगा, फिर आप कहेंगे कि एक जाति विशेष का नाम लेना चाहते हैं, सलमान खान सैफ अली बताइए ना, बोलिए ना, नहीं बोलिए ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अच्छा उनसे पूछते देखिए, अल्लाह का मजाक उड़ाने की हिम्मत है क्या किसी के अंदर। आप बात करते हैं हमारे राम की बात करते हैं, राम विनम्रता का प्रतीक है श्री कृष्ण, आज इन्होंने दीपक जी आपने पीछे लगा रखे हैं मोरपंख भगवान कृष्ण के, ठीक है कृष्ण जी ने सहिष्णुता संस्कारिता सिखाई, लेकिन अब तांडव की अगर बात करते हैं तो शिव ने जो तांडव दिखाएंगे, आपको कह रहा हूँ कि वो तांडव हम नहीं, पूरे देश की जनता वो तांडव करके दिखाएगी ना, तभी इन लोगों की अकल में अकल आएगी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरा सवाल आपसे ये था
कि बीजेपी आज सड़कों पर क्यों उतर रही है, क्या आज से पहले बीजेपी सड़कों पर क्यों नहीं उतरी थी, क्यों नहीं उतरी, कब नहीं उतरी, आप ये बताइए कि बीजेपी तो हर चीज के लिए जो देश हित के खिलाफ बात जाती है, जो पीके मूवी आई थी तब उतरा गया था, पीके मूवी आई थी तब, देखिए लेकिन आज तो आपकी केंद्र पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, अब आप इसका भी इलाज हो जाएगा, इसका इलाज कुछ ही क्षणों में आपको मिल जाएगा, कुछ ही दिनों में आपको इसका भी इलाज मिलेगा, उनके खिलाफ आप देखिए क्यों नहीं करते। दीपक जी मेरी बात सुनिए, अगर हम ये जो प्रॉब्लम नहीं करते तो आप हिटलर भी हमें कह देते, अरे कोई कोई कार्रवाई नहीं है, है ना, आप बुरा मत मानिए, आप बुरा आलोक जी की नहीं है, तो जलजला मैं तो कह रहा हूँ, आप अरविंद जी उनसे कहिए जाके, आपसे तो मुलाकात भी होती होगी, आपके साथी लोग हैं तो उन लोग आपसे तो एक बार जरा अल्लाह के ऊपर बना के दिखाए ना, एक बार एक अल्लाह का नाम तो लेके दिखाए कोई, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ ना, कड़वी सच्चाई है, आपको मैं आलोक जी एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ, बहुत आप सिंपल सी बात समझिए कि ये चीज आप सरकार में बैठे है, पहले सबसे पहले नोटिस देना, ये करना, ये प्रोसेस आपका लंबा क्यों है, पहली बात जो गलत, हम सब इतने रोड पे प्रोसेस क्यों करना, प्रोसेस नहीं क्यों करना, प्रोसेस एक प्रक्रिया है ना, जब आप नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, आप ही लेते हैं क्या होती है, ऊपर बैन लगाने चाहिए ना, आपको मैं कह रहा हूँ आप लोगों का देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी संस्कृति के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, अरे संस्कृति छोड़िए, आप संस्कृति की बात मत कीजिए, संस्कृति की बात मत कीजिए, यहाँ पे तो इंसान की वैल्यू नहीं है, एक रेप होता है और आदमी कितने लोग हैं जो हिंदू हो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, एक लड़की का रेप होता है, कितने लोग हैं जो सामने आके खुल के बोलते हैं, ये संस्कृति बचाने की बात करो, यहाँ तो यहाँ पे नहीं है, नहीं है, अरे नहीं है, कोर्ट कचहरी में उलझा के आप देखे, समस्या यही तो आ जाती है, ये बॉलीवुड के कुछ तथाकथित चंद, अरे कोई बॉलीवुड के लिए, ये तो आपके जैसे एक देखे, ये नेतागिरी है ना, नेतागिरी अलग होंगे, मैं अलग हूँ और रहूंगा, मैं तो सच्चा, मैं औरों से अलग हूँ, मैं नेतागिरी, अरे आप औरों से अलग है, इस बात को कहेंगे, आप औरों से अलग है तभी तो आप क्या बैठे हैं, सुनिए सनातन संस्कृति है ये, मैं तो, अरे पर मैं क्या कह रहा हूँ, सना नापाक सुअर है ना, इनके ऊपर क्या होगा, आप बताओ इससे बड़ा और क्या शब्द इस्तेमाल करोगे, देखिए मैं नापाक सुअर के अभी अभी काम कीजिए, बेनिंदा बेनिंदा कानून, आप शब्दों का कानून बना दीजिए, अरविंद जी आलोक जी बेनिंदा पर कानून बनना चाहिए, दीपक जी बात अरविंद गई है, आलोक जी ये राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इनको जो हमारी अपने शब्दों में, दीपक जी मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक बात कहिए, आपको मेरी बात को विराम दूंगा, एक चीज आप सुनिए, दीपक जी हमारे यहाँ पे अगर श्री राम है ना तो महाकाली भी मेरे हिंदू है, महाकाली भी है और रक्त मेरी माँ को भी चढ़ता है, ठीक है, तो ऐसे आसुरों का जब रक्त चढ़ेगा ना तभी देश के अंदर असली सुधार तभी आएगा, बिल्कुल समझे, मैं आज तक आपने हिंदुओं को विनम्र सहिष्णु, हिंदू विनम्र आलोक जी बोलने के बजाय आप सबसे पहले तो देखिए, बुरा मत मानिए, ये मैं जो है ना अभी मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा, ये सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात होती है, आप मुझे बात बताइए कि आपको आपने इस देश में भगवान की जिसने मजाक उड़ाई है, सैफ अली हुआ जेफर हुई है, उस टीम में भी और भी लोग होंगे, वो एक ही कास्ट के नहीं होते, आप सुन लीजिए, आपने अभी सुअर का लव जिहाद तो आपको क्या लग रहा है, हिंदू हिंदू में नहीं हो रही शादियां, ये भी लव जिहाद है, हम उस पर मत उलझो, आप उलझाइए मत, उलझाइए मत, काम दिखा रहे हैं वालों के लोग, आप उलझाइए मत, मैं कह रहा हूँ हम लव जिहाद पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं लव जिहाद एक ऐसा है जिस लड़की और आलोक जी से मेरा निवेदन है कि क्योंकि हेमलता जी अपनी बात है, आलोक जी मेरा एक निवेदन आप स्वीकार कीजिए, आप समझदार हैं, क्योंकि अभी महिला कहते हैं कि महिलाओं को सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन हम महिलाओं का जो बात है वो देरी से ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं पारा शिमलता जी आपसे, सबसे पहले हमारा जो आज का विषय है, तांडव पर आखिर इतना तांडव क्यों हो रहा है, आप अपने विचारों से आप क्या कहना चाहती हैं इस समय देश की जनता से, या इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो शो देख रहे हैं अपने YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, उनको पारस हिमलता जी आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा को पूरी तरह से खोल देंगे। हिमलता जी आपको मेरी बात चाहिए, जो हो चुका है सो हो चुका है, ये तांडव में जो हमारे देवताओं का जो अपमान हुआ है ये अंतिम होना चाहिए, इसके बाद अब कोई भी ऐसी वेब सीरीज या ऐसी मूवीज या ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए जिसमें इस तरह का हमारे देवताओं का अपमान किया जाए, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है क्यों नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते, अल्लाह कहते हैं नहीं देवताओं देवनिंदा का कानून बनना चाहिए, देवनिंदा का कानून बनाइए, देवनिंदा मतलब कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, मैं पर्टिकुलर एक धर्म नहीं कह सकती अभी, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म की बात से सहमत हूं, अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है,
इस पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो प्यार से नहीं मांगते हैं ना वो फिर डंडे से मांगते हैं, और ये लोग डंडे से ही सुधरने वाले हैं, प्यार से नहीं सुधरने वाले। डंडे से इनको डंडा भी नहीं मिलता है, इनको तो सरेआम जूते लगाने चाहिए इनको जाके, इनका तो जब अगर ये अल्लाह का नाम लेते तो इनके पास गला काट फतवा जारी हो जाता, इनके जिहादी देश फतवा जारी कर देते, और हमारे यहाँ पे लोग हमारे आज हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। दीपक जी मैं ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ, हम हिंदू जनता एक नहीं है, हम हिंदू जनता एक नहीं है, मेरे इसको एक होना जरूरी है, तो अच्छे अच्छे नेता भी सुधर जाएंगे। आलोक जी आप लगातार किसी एक उसको समुदाय को टारगेट नहीं करें, क्योंकि मेरा आपसे निवेदन ये है, क्यों नहीं दीपक जी, क्यों नहीं करूं, आप ही बताइए मैं क्यों नहीं करूं, क्योंकि एक सवाल दीपक जी, उसमें दीपक जी आप जैसे लोग भी हैं उसमें शामिल, दीपक जी पीके किसने बनाई, उसके राइटर कौन थे, आपका राइटर कौन है, ओम जी किसने बनाई, एक बार अगर किसी से हुई तो क्या उसको लकीर को पकड़ कर चलते जाएंगे, ये किसी का सहयोग नहीं किया, हमने किसी को लाभ नहीं पहुंचाया है, ऐसे लोगों को जो नापाक लोग हैं वो नापाक ही रहेंगे। देखिए देखिए अभी 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 आलोक जी बुरा मत मानिए, आप बुरा मत मानिए, आप ये पर्टिकुलर एक सोच को लेकर चल रहे हो, सोच से देश नहीं चलता है, आप ये नापाक 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 बोल रहे हो, क्या क्या मैं आपको कह रहा हूं देश नहीं चलता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपकी सोच इन लोगों से, अरे एक मिनट आपकी सोच अगर इतनी भी है ना, आप मेरी बात समझिए पहले तो, ये सोच थोपिए बात, आपको मैंने अभी ये कहा कि अगर ये गलत है तो आपकी सरकार पहले बैंड करके उनको जेल में डालिए ना, आप ये क्यों कंट्रोवर्शियल बात बना रहे बार बार, सरकार तो करेगी कानून, अरे क्या करेगी, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, ये सब फालतू बातें, कोई फालतू बातें, जफर के पास जाओ, क्यों आप जफर के पास, क्यों जफर लेकर आप टॉपिक से भटक रहे, आप टॉपिक से भटक रहे, माफीनामा कर रहे, देखिए माफीनामा ये नहीं है हाथ जोड़ के मैंने कह दिया था मुझे माफ कर दो, मैं अरे सजा दीजिए ना, आप सजा दीजिए, सजा दीजिए ना, आप कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हो, अरे मैं कह रहा हूँ कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हो, अमेज़न से देखिए आप नेताओं की, अमेज़न वर्ल्ड का नेता जी, आलोक जी आलोक जी एक मिनट एक मिनट आलोक जी एक बात सिंपल सी, आप नेता जितनी बातें करते हो ना कि ये समुदाय ये समुदाय, आप तो पीछे रह जाते हो, पब्लिक को मरवा देते हो, आप पब्लिक को मरवाते हो, नहीं नहीं बुरा मत, नहीं नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं, आप जैसे लोग फंसते नहीं हो, आप अपने अपने लोगों को समुदाय को आगे करके आप फंसा देते हो, आपको काय के लिए नेताओं का जल, आज तक कोई नेता का लड़का या नेता से जुड़े हुए लोग कोई परेशान में है क्या, आप ये सब फालतू बातें छोड़िए, आपको मैं कह रहा हूं अभी का भी, आप जब आपका पीएम सरकार सब कुछ आप है, आप सीधे से मैं कहता हूं तांडव के खिलाफ पहला पोस्टर मैं खड़ा करता हूं, मैं आप बोलो बॉम्बे के अंदर आप जहां जाके खड़ा रहे ना, मैं उसके विरोध में जाता हूं, लेकिन ये ड्रामा सब बंद कर रही है आपकी सरकारों का कि हम उसका विरोध करते, विरोध करने से आप ये कह रहे हो सुअर है ये, अरे आप एक बात बताइए ना, मोहम्मद रफी को आप गली दे सकते क्या, महमूद को आप गली दे सकते क्या, अरविंद जी आप शर्म करके किसको, अरविंद जी क्यों जान से मारे, अरे क्यों जान से मारे, क्यों जान से मारे, अरे आप एक काम कीजिए और सुनिए सुनिए एक मिनट, ये आप अभी ये विचारधारा, ये आप अपनी बीजेपी की विचारधारा रख रहे हो, आप समुदाय को लेकर चलने बात नहीं कर रहे हो, आप ये समुदाय की बात मत कीजिए, आपको मैं बताऊं ये मौज अभी जो आया है, आप समझिए मौज इंडियन ऐप डाला आपने और उसके अंदर ब्लू फिल्म में दिखा रहे, आपने देखा क्या ब्लू फिल्म में डाले, मेरे पास स्क्रीन शॉट है, आप मेरे को एक बात बता दीजिए आलोक जी, लोग हैं आप, नहीं नहीं आप इंडियन मौज, आपने चाइना की ऐप, आपने टिकटॉक, एक टिकटॉक ऐड जो टिकटॉक ऐप था उसके अंदर बाकायदा कोई गंदगी नहीं, और छोटे लड़के अगर इतना सा करती उसको वीडियो अपडेट नहीं होने देते थे, और मौज आपने कहा मौज लोड कीजिए अपना इंडियन ऐप कीजिए, और जिसके अंदर ब्लू फिल्म है, मेरे पास मैं स्क्रीन शॉट मार के रखा है, ब्लू फिल्म है बाकायदा गंदी फिल्म है, तो आप कहां सरकार सोई हुई है, आप क्या चाहते हो हम देश को बंद कर दे, आप क्या चाहते हो, तो ब्लू फिल्म दिखा रहे, अरे आप कैसे बात कर रहे हो, आप तो सुअर बोल रहे हो, नहीं 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 मैं दिलीप कुमार का सम्मान करता हूँ, मैं महमूद का सम्मान करता हूँ, मोहम्मद रफी का सम्मान करता हूँ, जो लीजेंड है, आप ये पर्टिकुलरली अगर सैफ अली तो वो एक्टर था, लेकिन हमारी हिंदी फिल्म के जो हमारे कई ऐसी फिल्म है जिसके अंदर बाकायदा ब्लू फिल्म बनाई जा रही है वेब सीरीज के नाम पे, आप रहते हो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं आपको स्क्रीन शॉट, मैं सारे भाई बहन उनका विरोध, आप ही के भाई बहन ना? कौन सा हमारे भाई बहन, आपके अभी 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 भी आपको एक मिनट, हेमलता जी एक मिनट, इतने इतने
आपको इतने नेता बता दूं जो बीजेपी के हैं, जो बाकायदा ये सेक्सुअल काम करते पकड़ेंगे, क्या कर लिया आप लोगों ने? यार अरविंद जी क्या बात कर रहे हो, आपके कौन है पकड़े? आपके यहाँ पे नहीं है सारे, आपके यहाँ पे साहूकार है। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब मैं जब कह रहा हूँ तिरस्कार भी करते हैं, तिरस्कार से कुछ नहीं होता। अभी आप इनको इनको बोल रहे हो ये सुअर है, नहीं नहीं ये सुअर है, और वो आपके साथ अगर जुड़ जाए तो आपके मान बन जाते हैं। इनको हाथी बोलूं किसको? दोनों हिम्मत है, बोलो ना सुअर बोलो, सुअर बोलो, नहीं सुअर बोलो, उनको भी सुअर बोलो जो आपके जो लड़कियों को रेप करते हैं, जो नौकरी के नाम पे, जो पढ़ाई के नाम, नहीं 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 गलत है, वो गलत है, वो गलत मत बोलिए। नहीं मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ वो जो जो विषय की क्या बात कर रहे हो, वो जो नेता जो है उनको मैं सुअर बोलता हूँ, मैं सुअर बोलता हूँ, हिम्मत अपने। अयूब को क्यों बता रहे हो आप? किसको? सैफ अली गलीन से कोई कांटेक्ट है क्या? अरे वो चलिए चलिए मैं आपको बोलता हूँ, चलो चलो एक एक बात मैं बोलता हूँ, चलो सैफ अली हरामी है, कुत्ता है, चलिए आप बोल के बताइए आपके जो नेता। शब्दों में सभी लोग गरिमा बने रखते हैं। नहीं नहीं गरिमा की बात कर रहा हूँ, ये जब नहीं मैं जब भी इतनी हिम्मत कर रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूं मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूं, आप अपने नेता जो बाकायदा सेक्सुअल वीडियो में सारे पकड़े गए, आप एक बार हरामी बोल के बताइए। दोषी है जो मानवता के विरुद्ध। अरे छोड़िए ये दोषी छोड़िए, दोषी कहीं का आपके सजा नहीं होती है, देर बातें मत कीजिए, आप बातें मत कीजिए, आप तो सुअर बोल के हट गए, आप तो बोलते देश रही है ये है वो है ये बोल के आपने तो जनता को मरवाने के लिए आगे कर दिया। चलिए जनता जिम्मेदार है क्या? मेरा एक सवाल यहाँ पर बात है, वो नहीं है आलोक जी कृपया मेरा एक सवाल सुन लें। मेरा सवाल जो है वो हेमलता जी से है, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं और काफी महिलाओं के पूरे देश में आप संपर्क में रहती हैं। मेरा आपसे इतना सा सवाल है कि लगातार किसी भी धर्म की भावनाएं जो है किसी भी तरह से आहत नहीं होनी चाहिए, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिल्म अभिनेता हो, सभी लोग ये मानते हैं कि किसी भी धर्म की जो भावना है वो आहत नहीं होना चाहिए, और सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों की रक्षा की। सनातन का मतलब भी हमारे हिंदू का है कि हम दूसरे धर्म की जाता है। नहीं नहीं देखिए मैं सिंपल, या तो आप सनातन, एक छोटा सा हेमलता जी सॉरी आलोक जी सॉरी मैं आपकी कदर करता हूँ लेकिन बहस है सॉरी, सनातन धर्म का मतलब सारे धर्मों को, ये सनातन का शब्द नहीं मिला है, हिंदू धर्म यानी आप कहते हो कि जिसमें इतना विशाल हृदय होता है जो माफ करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन हम पर्टिकुलरली की कैपेसिटी है लेकिन हेमलता जी मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले मैं खड़ा रहता हूँ, परिभाषा ही बता देती हूँ, मैं देवी देवता सनातन धर्म की परिभाषा ही बता देती हूँ, ठीक है। देवी देवता सनातन धर्म जो है ना आज से नहीं है, ये जितने भी धर्म है ना बाकी सब बाद में आए, ये सारे के सारे देवी देवता सनातन धर्म से ही है। हम जैसे लोग हैं आज भी इस पर चल रहे हैं, बाकी किसी भी लालच से, किसी भी भय से, किसी भी डर से इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया। इनके जो भगवान है ना वो भी पहले देवी देवता सनातन धर्म से ही थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो इस्लाम हो, मैं खुल के कह रही हूँ, ठीक है। ये लोग सब है पहले इनके बता दे, इनके धर्मगुरु कब आए और हमारे धर्मगुरु कब से है। अभी आप लोग का टॉपिक नहीं, नहीं ये टॉपिक देखिए मैं आपको सच कह रहा हूँ, इस टॉपिक में उलझ नहीं, आप अपने तांडव की बात कीजिए, तांडव के अंदर प्रॉब्लम है, हम लोग 1500 साल पहले जी से ये कह रही हूँ कि अब देव निंदा का बनना चाहिए कानून, कि हम किसी भी धर्म, अरे कानून की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जब आप खुल के, मैं आपके कानून बनना चाहिए, हम हिंदू लोग है ना माननीय मंत्री महोदय तक आपके शब्दों को पहुंचाऊंगा, ये मैं देखिए हेमलता जी मेरा मानना ये है खत्म हो जा रहे हैं। हेमलता जी सिर्फ कानून बनना, अरे जब 800 साल हुआ अंग्रेज जो सारे लोग आए थे, चाहे मुगल आए अंग्रेज आए, जब वो मिटा नहीं सके, आप ये 2-5 साल में आप मिटाने की बात कर रहे हो, यही कहना चाह रहा हूँ, ये सब फालतू टॉपिक, क्या हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म में ये है क्या? नहीं अफगानिस्तान से पूरा हिंदू मिट चुका है, मतलब ये अफगानिस्तान से हिंदू मिट चुका है, मिट चुका है, कौन सा मंदिर टूट चुके हैं? हेमलता जी अरे आप कहाँ पहुंचे हैं? अरे अरे आप हेमलता जी बच्चों वाले बातें करिए, हेमलता जी मेरा सवाल क्या हुआ था अभी जागृति आनी बहुत जरूरी है और कानून भी बनना बहुत जरूरी है। हेमलता जी मेरा सवाल यही है आपसे कि कानून तो बहुत से बने हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे काम हो रहे हैं, कानून विरोधी काम हो रहे हैं, तो इसका एक कानून और बन जाएगा तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है,
कहीं ना कहीं आपको खुद को आगे आने की जरूरत है। और मेरा जो सवाल था जो आपसे रह गया था वो ये था कि आप क्योंकि खुद सनातन धर्म को का समर्थन करती हैं, लगातार जो हम 3-4 दिनों से विरोध देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और उसकी जो समर्थित पार्टी है उनका, क्या ये आपको लगता है कि वोट की राजनीति ज्यादा हो रही है जबकि सनातन धर्म की या जो तांडव को लेकर है वो कम है और अपनी वोट की राजनीति बीजेपी ज्यादा कर रही है, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा? देखिये वोट की राजनीति तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि अब तो हर बात पर वोट की राजनीति ले आएंगे तब तो कोई चीज का सॉल्यूशन ही नहीं होगा। नहीं क्योंकि दिखाई दे रहा है ना, क्यों अभी आप जब वो इतना बोल रहे थे तो देखिए जो वोट की राजनीति नहीं है, वोट की राजनीति अब हर बात पे, अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम सीधा कह देते हैं कि वोट लेना है इसीलिए, अरे हर बात पे वोट के इलेक्शन तो हर कदम कदम पे इलेक्शन है, तो वोट की राजनीति कहाँ होगी, हर बात पे वोट की राजनीति नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ ये सही है कि अब इसके पर जागृति लानी, जनता को जागरूक करना, यहाँ तक मैं तो ये तो कहूंगी साधु संतों ब्राह्मणों को भी अपनी जो आते हैं मंदिरों में जो भक्त आते हैं उनको जागरूक करना होगा, अपने धर्म की जानकारी देनी होगी, अपने धर्म के विषय में ज्ञान देना होगा। आज आप ही का बच्चा बताइए ना अपने धर्म के विषय में कितना जानता है, आप कितना बैठकर उनसे धर्म की चर्चा करते हैं। वो सरकारों की गलती है कि सरकार प्राइवेट स्कूल को प्राइवेट स्कूल नहीं देखिए अमृता जी, गलती हो सकती है क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं क्यों सरकार सरकार नहीं नहीं सरकार क्यों नहीं क्यों नहीं सरकार क्यों नहीं हर जगह पढ़ाई सरकार किससे बनती है, अरे तो जनता की कौन सुनता। अभी एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आपको मैं सिंपल सा सवाल करता हूँ, अगर जनता की सुनती है, नहीं जनता की अगर सुनती है तो सबसे पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सारे जितने भी बुक्स है हिंदुस्तान की उसमें पहले धर्म का इंपॉर्टेंट क्यों नहीं देते आप लोग, क्यों नहीं देते आप लोग? आप पूरे वर्ल्ड की बात आप कहते हो, अभी जैसे इंडिया में प्राइवेट स्कूलों के अंदर आपने कंपलसरी किया कि आपको चाइनीज लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, आपको वो सीखना, आपने हिंदी क्यों नहीं कंपलसरी करते हो, वो एक ऑप्शन डालते हो आप, क्यों नहीं कहते हो आप आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी? आपने किया था, अरे किससे क्या तो आप क्यों कर रहे हो, कौन सा ये 5 साल में हुआ है, ये आप 5 साल में आए सर, ये 7-6 साल में हुआ है, मतलब 5 साल के अंदर दोबारा वर्ल्ड लेवल पर, अरे खाने के, अरे भाई साहब ये वर्ल्ड लेवल जो सुनिए धर्म का ज्ञान एक एक बच्चे को नहीं मिलेगा, हाँ जी तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी सुनिए ये भारत वर्ल्ड पे टॉप पे गया ये बात सही है, पर ये सिर्फ नेताओं का ऊपर गया है, जनता तो भिखारी से बदतर हालत हो गई है, और आप कह रहे वर्ल्ड पे हम टॉप पे आ रहे हैं किस चीज के लिए, आपने किस जनता को, कौन सी जनता की हुई जब उम्मीद से ज्यादा जिन्होंने दबा खा था ना, कौन सी जनता, अरे कौन सी जनता जाके जाके वीडियो देखिए, वीडियो देखिए लोग की क्या हालत हो रही है, लोग भूखमरी के भी जी रहे हैं, सिर्फ नेताओं के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप कह सकते हो कि नेता इन दिनों में अरे भाई साहब एक जैसे नहीं है तो आप जनता के फेवर की बात क्यों नहीं करते, आप जनता के लिए आपको करो तांडव, अभी तांडव का टॉपिक चल रहा है, आप तांडव का, अरे कुछ नहीं सब फालतू बातें हैं ये बोलने, इस बात का जवाब दीजिए कि क्या बीजेपी वोटों की राजनीति कर रही है या वाकई उनको जो फिल्म जो कल्चरल जिहाद जिसको नाम दिया गया है आप लोगों के द्वारा, जो कल्चरल जिहाद लगातार चल रहा है उसको हटाने के लिए उसको मिटाने के लिए आपकी सरकार केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, आपके सूचना प्रसारण मंत्री ने क्या काम किया अब तक, जवाब दीजिए आप। देखिए दीपक जी कभी भी हमने इस तरह की राजनीति नहीं करी है जिसको आप बार बार कर रहे हैं कि हम समझे जेहाद करना, हम तो स्पष्ट बात है, और हमारे यहाँ तो एक चीज है संगठन में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये खुली छूट रहती है, और पार्टियों में इस पार्टी में यही फर्क है कि मुझे मेरी बात मेरी अभिव्यक्ति की सही मायने में स्वतंत्रता है, और हम राष्ट्र प्रथम की हम राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए देश पहले है, और जब देश पहले है ना तो हम समझे हमारे हम खुद हमारे लोगों ने हमारे मंत्री पत्र लिखे हैं क्या है ना, आज ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हम विरोध करते हैं इसका, और इसका आप भी देखिए इसी जहीर अब्बास को, अब आप एक बात बताइए आप जहीर अब्बास पे क्यों अटके हो, जहीर अब्बास पे क्यों अटके हो, उसके और भी राइटर है नाम बताइए ना, आप पर्टिकुलर क्यों जहीर अब्बास पे अटके हो, क्यों नहीं असली तो वही है ना, मेन तो जखे मेन तो जब अक्षय को सुनिए आपको आपको ओ माय नहीं नहीं ओ माय गॉड के अंदर नहीं नहीं ओ माय गॉड
एक मिनट ओ माय गॉड के अंदर अक्षय कुमार ने अरविंद जी मुझसे तो एक बात करा दीजिए, आप एक काम कीजिए, आपके तो सीधे उस बॉलीवुड में टच है उस। अरे मैं आप जो बोलो मैं आपका ऑर्डर आप सुन वो तैयार है अरविंद जी तैयार है। राम मंदिर में एक इस राम मंदिर में 1 अरब रुपए का दान करवा दीजिए, हिंदू माफ कर देगा, उनसे करवाएंगे आप 1 रुपए का। जो तांडव जैसी फिल्में बन रही है उसका तो कर लीजिए, राम मंदिर के लिए तो आ जाएगा पैसा, वो तो राम के नाम पर वैसे ही पैसा लगा। इन लोगों ने ये माफीनामा कर रहे हैं दीपक जी, ये क्या नहीं आप एक बात बताओ, एक मिनट देखिए आप आलोक जी सिंपल, अगर ये अल्लाह का नाम लेते तो इनका गला नहीं काट दिया जाता, अगर ये अल्लाह ही होता इस जगह पे, इस शिव की जगह पे, अगर अल्लाह को लाया। आप गलत चीज पे जा रहे हो। अक्षय कुमार जब ओ माय गॉड में लेजर सूट में और मोटरसाइकिल को क्या हमारे भगवान को अच्छा लग रहा था क्या? आप उस पर क्यों नहीं किया कि वो भी गेटअप में आ गया? क्यों किया? क्योंकि वो आपके 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 सरकार से नहीं, आपके सर प्रेजेंट क्यों? नहीं, अब इनको बचाना चाहते क्या? ये दोषी है या नहीं है बताएं आप तो मुझे, ये दोषी है या नहीं? अरे मैं गाली दे रहा हूँ, मैं तो गाली दे दिया, अब इससे बड़ी क्या बात कहूँ आपको? मुझे आप ऑर्डर कर दीजिए। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही दोषी नहीं है, वो सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदुत्व का दुरुपयोग कर रहा है, जो हिंदुवादी अवधारणा के खिलाफ काम कर रहा है इस देश के लिए। अरे पर हिंदुवादी वही है जो हिंदुवादी अवधारणा के खिलाफ जाएगा। उसका राइटर भी उतना ही दोषी है जितना डायरेक्टर दोषी है, उसका राइटर भी उतना ही दोषी है। आलोक जी, आलोक जी एक बहुत रिक्वेस्ट, आप समझिए, डायरेक्टर ने पास कैसे किया? आलोक जी अभी उसको ज्ञान नहीं है, डायरेक्टर मान सकते हैं लेकिन राइटर ज्ञान नहीं लिखने के टाइम में उपलब्ध है वो। मैडम हम अभी बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप अक्षय कुमार कपड़ा पहना तो आपको लग रहा है कि वो पास हो गया जी, और अभी आप कह रहे हो कि इसने किया। मैं तो अभी की भी गलती निकाल रहा हूं और आपको कह रहा हूं, आप अक्षय कुमार के टाइम पे क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों भगवान कृष्ण भगवान, आप उसी ड्रेस में मैंने फिल्म बनाई, मैंने पक्की जो अंदर गलत है, अगर उनने गलत किया था तो मैं उस गलत का, तो हम उस गलत का भी आप बोले आप नहीं, अभी आप एक्सेप्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं एक मिनट, आप एक्सेप्ट कीजिए कि अक्षय कुमार भी गलत था उस टाइम पे। चलिए देखिए, जब बोले ना देखा नहीं, मैंने आप हमने चेक करी देखी तब मैं बोल, आप अभी बोलिए, आलोक जी अभी आप बोलिए अक्षय कुमार गलत था बोलो। मैं कैसे बोल दूं जब आपने, क्योंकि आप इससे नहीं बोल सकते हो, आप इससे नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो आपकी फिल्म नहीं, वो इसलिए है उसका अपमान हुआ है उस फिल्म में भी। सुनिए वो इसलिए नहीं बोल, नहीं ये इसलिए जिसने भी देश का जो भी अपमान करेगा ना, अमित खान को भी गलत बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि आप आमिर खान, मैं सब खान ही गलत है ये खान। अरे खान, अरे यार आप इन खानों को तो आप यानी कि आपकी सोच को क्या पता है, आपकी बीजेपी सोच जो है, देश के मान को मिटा रहा है खान, देश के मान को मिटा रहा है खान, है ना? अरे एक मिनट, ये हमारे देश का सबसे बड़ा अपमान। ये आप पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात मत कीजिए, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, सुनिए, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री सब धर्म में से सबकी बुराई भी निकालने का संकल्प लेना पड़ेगा, सब धर्म में से सबकी बुराई निकालने का भी संकल्प लेना पड़ेगा। एक काम आलोक जी, एक बात कहता हूँ आपसे, ये पिक्चर आप अगर देख रहे 25% 30% भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन सुपरहिट पिक्चर होती इन लोगों की, तो क्या हिंदू पिक्चर देखने जा रहे हैं क्या? देखिए हिंदू देखने नहीं, क्या मैंने आपसे क्या कहा? पिक्चर सुपरहिट क्यों होती है? यही तो ये हमारी विनम्रता का यही तो फायदा हो रहा है हमारे। अरे कोई नहीं, ये आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। देखिए जागरूकता की बात, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं भी थोड़े ताकि हम चर्चा को एक अच्छी दिशा दे पाए। देखिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, वेब सीरीज इससे भी ज्यादा गंदी ब्लू फिल्म टाइप की बन रही है, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है अपने संस्कार और अपने किसी भी इंसान की वैल्यू से। आपको सिर्फ जो कोई देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स की अगर बात करोगे तो अभी मैं आ जाऊंगा कि आपको बीजेपी को एक ही है, हिंदू अलग कर दिया है आपने, ये ऊपर ये नीचे ये बीच वाला ये वो, उन्होंने एक नहीं आपने किया है, आपने किया है। अभी आप अभी अभी आप बोल रहे हो मराबाद को भी हम लाते हैं क्या? कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदूवादी, हमने कहा हम सर्वेश्वरी समावेश को लेकर चलते हैं, जो अच्छा आप, है, आप, हम नहीं है। आप ये क्यों कहते हो फिर हिंदू को? एक काम कीजिए ना, आप जैसा मुसलमान होते हैं वो सारे मुसलमान रहमान सुलेमान एक है, मैं उनसे अप्रिशिएट करता हूँ, आप सुरेश अरविंद राजू दीपक ये सब बोल के आपस में
तू कौन से गोत्र का है, तू कौन से वो, बंद कर दीजिए ना, हिंदू है खत्म होता है। बिल्कुल यही सवाल हमारा है। आप क्या करते हैं, आप खुद आपने न्यूज में देखी है, चाहे पीएम हो या कोई भी हो, ये हमारे ये दलित भाई क्यों दलित यूज करते हो, क्यों दलित सब यूज लिख क्या है दलित, ये श्रवण क्यों लिख क्या है, क्या श्रवण कौन किसकी कोख से पैदा हो गया, कौन कहा डाइवर्ट हुआ, किसी को नहीं, मैं क्या हूं, मेरे दादा परदादा कौन थे मुझे भी नहीं पता है, तो मैं डिसाइड करने वाला कौन होता हूं कि मैं हिंदू, मैं श्रवण हूं या मैं दलित हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं प्राउड फील करता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन आप जब भी आपके नेता नहीं यही तो सोच लानी है, अरे नहीं नहीं ये सब अरे दलित सबको हटाया जाए ना, दलित आप दलित एक बात बताइए, दलित के वहां रेप होता है आज के टाइम में, जितना दलित पे जितना अत्याचार हो रहा है, आप बताइए कौन से कानून में उस दलित लड़की के साथ आप लोगों ने अन्याय का आपने न्याय किया है, और आज आप मुझे बताइए कौन सा दलित आदमी को रोड पे रख के इतने मारे है, और आप बताइए क्या आप लोगों ने सजा दी है। मैं जैसा कि हेमलता जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सनातन धर्म जो है जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, जिसका कभी अंत नहीं होगा, और जितने भी जो धर्म है, जो पंथ है, वो सारे सनातन से ही निकले हुए हैं, यानी कि जो भी सनातन से निकले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, वो हैं तो हमारे भाई, क्योंकि वो सनातन से ही निकले हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको अलग क्यों माने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक मिनट, जो दीपक जी ये जो टारगेट चल रहा है ना, ये जो टारगेट कर रहे हैं कि वो सुअर ये खान, मैं कह रहा हूं कि आप उनको क्या अक्षय कुमार पिक्चर सोलो में नहीं लेके जाता है, क्या अक्षय कुमार गोविंदा ने पिक्चर नहीं दिए सुपरहिट, क्या अमिताभ बच्चन सुपर ये सदी का मान है नहीं बना, आप ये तीन खान बोलते हो, आप क्या करते हो पता है, आप अपनी सोच को हमारी इंडस्ट्री में घुसेड़ने की बात कर रहे हो, अगर इतना दम है तो अगर जेब मैं आपको कह रहा हूं इतना दम है तो सबसे पहले नियम नहीं नहीं समर्थक हो रहे हो काय के लिए, जब मैं एक गाली देके आपको सुनिए क्या उन्हीं से चलती है क्या हमारी इंडस्ट्री, आप मोहम्मद रफी साहब को गाली दोगे क्या, मोहम्मद रफी साहब को गलत साबित करो, महमूद को गलत साबित करोगे क्या, आप बोल के बताइए, मैं आपको बोलता हूं नहीं तो मैंने कभी ये नहीं कहा आपसे कि मैं मोहम्मद, तो फिर क्यों फिर ये खान बन क्यों, क्या मोहम्मद रफी मुसलमान नहीं है क्या, मोहम्मद रफी मुसलमान नहीं क्या, अरे भाई अरविंद जी सबसे बड़ी बात आप ये समझ के देखिए, मुझे तो एक बात बता दीजिए कि मेरे राम का, मेरे श्याम का और मेरे हनुमान का नाम आपको हजारों जगह आरामी मिल जाएगा, अरे राम राम सुनिए अब आपको राम का सुनना, राम का सुनना है, राम का एक मिनट आदमी मिलता है क्या आपको, क्यों क्या एक मिनट, अभी 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 धर्म आप लोग क्या पता बीजेपी में क्या पता, आपको दो चार शब्द रट्टे मराए हुए कि आप कोई भी कुछ बोले तो आप राम बोल दो, जय श्री राम बोल दो, और राम के नाम पे अभी आपने कहा 1 करोड़ रुपए वो हिंदू अपने राम मंदिर दे अरबों रुपए, एक मिनट आपने अरबों रुपए राम मंदिर के नाम पे लेके बैठ गए हो, कौन से धर्म में आपने ऐसा मंदिर के लिए आपने आपने अरबों रुपए लेके आपने हिंदू धर्म के लिए क्या किया, चलिए हिंदू धर्म के बहुत सारे आप बाकी छोड़े किसी को सपोर्ट नहीं करना है, हिंदू धर्म के वो लोगों को जो गरीब है भीख मांग रहे उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे पैसों से, गरीब ब्राह्मणों को सपोर्ट क्यों नहीं है, क्यों नहीं ब्राह्मणों को, आप ब्राह्मण बिचारे पूरे तंत्र मंत्र आपके धर्म को समझ क्या कर रहे हो, तो पढ़ने के लिए आगे तक लेके जा रहे हैं, ब्राह्मण के बच्चे क्या गरीब नहीं होते हैं, ब्राह्मण को आप खाने की भी दिक्कत आ जाती है इनको ब्राह्मणों को, अरविंद जी अभी तो राम मंदिर तो एक शुरुआत है, अभी ये सब छोड़िए वो शुरुआत, अभी आपको अभी अभी बुरा लगेगा मुद्दा नहीं है मंदिर का, मंदिर का मुद्दा मत बनाइए मुद्दा, सुनिए जय श्री राम बोले दीपक जी, सुनिए दीपक जी पर बीजेपी के जो नेता जो उतरे हुए हैं, जो विधायक उतरे हुए हैं, वो आखिर बेचारे कब तक सड़कों पर घूमते रहेंगे, कब तक जलाते रहेंगे, उनकी सरकार क्या कर रही है बैठी बैठी, इस बात का जवाब दीजिए दीपक भाई, दीपक भाई नहीं कर रही दीपक भाई, दीपक भाई एक छोटा सा कहा नहीं कर, दीपक भाई एक छोटा सा मैं कह रहा हूँ कि आपको अभी ये तांडव के लिए दिखाता, तांडव में तो क्या है आपका लॉ एंड ऑर्डर डालकर उनको अंदर करो, किसान बेचारे अन्नदाता बोलते हो, आपके बीजेपी के कितने लोग गए वहां अभी और क्या कर रहे हो, अब आपका लॉ एंड ऑर्डर आ गया, आप कितने लोग गए, आपने किसानों के लिए क्या किया, 60 आदमी मर चुके हैं, आपके पीएम मन की बात कर रहे हैं, होम मिनिस्टर मन की बात करना चाह रहे, क्या आपने कर दिया, आपने क्या सब बोला, किसान है ही नहीं वहां पे, अरे छोड़िए ये छोड़िए, देश किसानों को बोला नहीं है, आज किसानों की मीटिंग हो चुकी है दोपहर को, मेरा आलोक जी आपसे सवाल ये है, सीधा सा सवाल है एकदम, इसमें कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है, जो आम जनता चाहती है इन सवालों का जवाब, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आखिर बीजेपी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मुख्यमंत्री हैं,
वो कब तक सड़कों पर उतरते रहेंगे, कब तक कार्यकर्ता बिचारे बस जब तक ये वोटिंग के लिए वापस नई तैयारी करनी है, नए वोटिंग के लिए तैयार करना है, नए लोगों को बताने कि हम ये कर सकते हैं, हम कानून नहीं ला सकते हैं। जवाब दीजिए आलोक जी। दीपक जी ऐसा नहीं है, आपने कहा कि और ये हर बात को वोट से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम वोटिंग के लिए तो है ना। पीएम खुद छोटे छोटे इलेक्शन में जाके आपके होम मिनिस्टर जाते हैं। अरे अरविंद जी, हर बात को वोट से जोड़ना बंद कर लेना। इलेक्शन इंडिया में हमेशा होता रहता है, है ना? इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप देखिए इस तांडव को, इसका मतलब हम चुपचाप बैठे रहते, लोग देखते रहते, हम इसके लिए जो वैसी बात हेमलता जी ने कही, उस जागरूकता को लाने के लिए, उस समाज को जगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अगर सड़क पे है तो जागरूकता को लाने के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एक को बैन कर देंगे, कल दूसरा फिर बनाएगा, इससे बेहतर हम जागरूकता को लेके आए। अरे पर रोड पे आप क्यों जा रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट? नहीं नहीं, छोड़िए ये पब्लिसिटी, छोड़िए ये, मैं रोड पे है ना, ये क्या है? एक मिनट, रोड वाली बातें बंद कर दीजिए। एक नेता क्यों रोड पे जा रहे हो, क्यों रोड पे जा रहे हो? अरविंद जी, अच्छा अरविंद जी, डर तो जब लग रहा है आप लोगों को, डर तो जब लग रहा है कि जब जनता जाग जाएगी और आप जब बनाने से पहले तीन बार आपकी फटफड़ी आएगी ना, उससे डर लग रहा है आप लोगों को। अब आपको बुरा, अभी मैं आपको बोल दूंगा बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। आपकी सरकार होके आप रोड का, नहीं नहीं आप एक काम कीजिए, पहले सबसे पहले तो आप सरकार में रखे ये बच्चों वाली बातें करते हो, सरकार है तो ब्रॉडकास्ट बंद कर दीजिए ना, डाल दीजिए सबको जेल के अंदर, क्यों रोड पे जाके ड्रामा कर रहे हो? आज कल क्या सुनिए, लड़की की इज्जत लुट गई, एक मिनट लड़की की इज्जत लुट गई, कोर्ट लड़ते रहेंगे, खून हो गया कोर्ट लड़ते रहेंगे, आप कानून क्यों नहीं लड़ते? जिसने अगर रेप किया है उसको सीधा सीधा फांसी सजा, कोई सुनवाई नहीं होगा, भले एक दो बार निर्दोष में मर जाए, जिस तक खून किया उनको भी सजा दे दो, वो नहीं हो सकता है। अरविंद जी देखिए, जो इस समय हमारे दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके भी कई सवाल जो है मेरे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं इस समय, तो एक सवाल अरविंद जी आपके लिए आया है, ये दिल्ली NCR से है राजेंद्र माथुर जी, माफ कीजिए नोएडा से हैं राजेंद्र माथुर जी, जो अरविंद जी से एक सवाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अरविंद जी क्योंकि लगातार इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हम उनकी कई फिल्में जो हैं वो देखते रहते हैं और वो बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं, अच्छे राइटर भी हैं, तो उनसे उनका सवाल ये है राजेंद्र जी का, अरविंद जी आपसे है, कि लगातार हम देख रहे हैं कि जब किसी को बचाना होता है तब तो अल्लाह रखा जाता है, और जब डाकू गरीबों को लूटने जाते हैं तो वो जय भवानी बोल के फिर लूटते हैं, तो क्या इस तरह की मानसिकता जो बॉलीवुड की है वो बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? मैं टोटल खिलाफ हूं। मैं लोगों को भी कहता हूं कि जब हिंदू धर्म के देवी देवता के पोस्टर भी गलत आते या कुछ भी कमेंट लिखे ना, कोई भी कितना बड़ा स्टार हो, आप एक्शन एक ही लीजिए, पहले सबसे उसको जेल में डालिए, उसके बाद चाहे कितना बड़ा हो उसको उतनी सजा दो कि दूसरा बोलने से पहले। मैं आपको कह रहा हूं डाकू की आपने बात कही ना, मैं कह रहा हूं कि डाकू जब भी, मैंने हमेशा देखा है कि जब भी हिंदी फिल्मों के अंदर आता है भवानी का नाम लेके जाता है, उसका लेके तो क्या भवानी उसको स्वाद दे रही कि लूट जा रेप कर ये कर, यही सवाल है उनका, यही तो मैं वही तो कह रहा हूं। मैं क्या अभी मैंने आपको है वो क्या बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए? एक मिनट, वो डाकू की फिल्म बनाने वाले भी सारे हिंदू थे, आप उठा के देखे। मैं आप जिस फिल्म की बात करूं, मैं आपको विद प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर सारे के सारे हिंदू थे, मैं आपको लिख के बताओ, ये मेरा बाप मेरे को सर्टिफाइड नहीं कर रहा है कि इसमें कौन कौन था, इसके अंदर वो सिनेमा है जिसने फिल्में बनाई है, जिसने बनाई है वो हिंदू है, एक्टर हिंदू, सिंगर हिंदू, कलाकार हिंदू, सारे के सारे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको एक्शन ये लेना चाहिए कि जिसने भी धर्म के ऊपर मतलब जरा सी भी आंख उठाई ना, दुबई में जाइए, आपकी हिम्मत है अल्लाह के खिलाफ बोलने की? है हिम्मत आपकी? क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है आपको कुछ भी बोलने से पहले, में हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं, आप देखिए वो आप मैं कह रहा हूं ना, आप वही आप धर्म से अरविंद जी आपके लिए भी एक सवाल हो रहा है, अरविंद जी आपके लिए भी सवाल है। अरविंद जी ये सवाल देखिए जयपुर से है सुनीता जी का। सुनीता जी आपसे जानना चाहती है कि हम लगातार सुनने में आया है और पढ़ने में भी आता है कि बॉलीवुड की फिल्मों में जो पैसा लगता है वो दाऊद का लगता है, सब झूठ बात है, वहां से आदेश देते हैं कि आपको इस तरह की फिल्म बनानी है ताकि उनका जो बेनिफिट है विरोध होगा, बेनिफिट होगा तो उनको फायदा ज्यादा ज्यादा होगा और वो सारा पैसा जो है उनके पास से वापस आतंकियों के पास जाता है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? ये बच्चों वाली बात, ये बच्चों वाली बातें होती है, प्रोड्यूसर के पैसे आजकल तो आप देख लीजिए, आजकल नहीं दाऊद गया उसको जमाना हो गया, उसके बाद आपको कोई भी बैंक अकाउंट खुलता पहला प्रोड्यूसर का
उसके सबसे पहले उसके अकाउंट में कितने पैसे है, वो कहां से लाया, उसका बाकायदा फाइल बनता है, उसका बैनर तक रजिस्टर होता है, उसके बैनर के अंदर कितने कितने पैसे किसको वाइट दिया, किसको क्या दिया, और कहां उसका पैसा सेविंग है जिसके वजह से वो इनकम टैक्स भरेगा। तो उसके पास अगर वो खाने के बंद वो बाहर देता रहेगा तो फिर वो दिखाएगा क्या इनकम टैक्स में। ये सब बच्चों वाली बातें है। कोई दाऊद या कोई एक मुसलमान फिल्म शाहरुख खान बना रहा है तो वो अरबपति बन गया है, सलमान खान हजारों अरबों रुपए में खेल रहा है, अक्षय कुमार अरबों रुपए में बन रहा है। तो आप ये भेदभाव करो, तो इंडस्ट्री के लोग है आप, इंडस्ट्री के अंदर क्या अक्षय कुमार पहले आया जब वो 50,000 रुपए में पिक्चर करा था, आज वो कितना मांग रहा है, 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़। तो उसका दोस्त थोड़ी है, उसके नाम का है, उसके नाम बना है। आलोक जी, सलमान खान एक फेलियर एक्टर जो आज अगर बिग बॉस के अंदर जाता है, 100 करोड़ लेता है, तो आप उसको रोकोगे क्या? आपने मान लिया इस बात को? मेरा एक सवाल है, मेरा अरविंद जी से एक सवाल है, प्लीज मुझे पूछने दीजिए। बोलिए अरविंद जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं, चाहे वो हिंदू एक्टर हो चाहे हिंदू राइटर हो, उनके थ्रू हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, उन्हीं को हीरो बनाकर, उन्हीं को राइटर बनाकर, क्योंकि हिंदू बहुत सेंसिल होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी क्या इस्लाम या क्रिश्चियन, मैं दोनों को धर्म को लेती हूँ, क्या उनके मतलब ये आपके राइटर को या उनके हीरो को क्या कभी टारगेट बनाकर कि उनके धर्मों को अपमान किया गया है किसी भी फिल्म में? मुझे एक भी फिल्म बता दीजिए कि उनके किसी धर्म को उनकी उनका अपमान हुआ है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है हिंदू धर्म का अपमान, चाहे उसमें शामिल हिंदू ही क्यों ना हो, हिंदू धर्म का अपमान फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है। अब मैं ये छोड़िए ना मैडम, मैडम आप मैडम कर रहे हैं, मैडम सबसे बड़ा इसका मतलब आप हिंदू को आप बदनाम कर रही हो कि हिंदू पैसा लेके उनके धर्म को नहीं कर रहा, हमारे तो कमी हमारे में ना। आप सुनिए, आप सिंपल सी बात मानिए, यानी क्या धर्मेंद्र हिंदू नहीं है? एक मिनट, आपको बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, उन्होंने आप लोग फिल्म बनाई, क्या हिंदू नहीं है वो? मैं वही कह रहा हूँ कि सारे हिंदू धर्ताओं देवी देवताओं पे पिक्चर बन रही है इन्हीं हिंदुओं के थ्रू। लेकिन आज तक किसी इस्लाम एक्टर ने अपने धर्म के प्रति कोई विरोध में कोई फिल्म बनाई है? चलिए एक एक आपसे सवाल करता हूँ, बहुत सिंपल सी, हमारे यहाँ 33 कोटी देवी देवता है, मैंने सिंपल सा कह दिया आपको, आप जवाब दीजिए, सवाल करने का काम मेरे को छोड़ दीजिए, मेरी पेट पे लात मत मारिए आप लोग, सवाल मुझे करने दीजिए, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। ये देखिए आलोक जी, आपके लिए भी एक प्रश्न आया है, रामेश्वर चौधरी जी का, ये जयपुर से रामेश्वर चौधरी जी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हम लगातार टीवी चैनल्स पे और सारे अखबार में पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के जो नेता है वो कंबल तान के सो रहे हैं, तो क्या उनको वोट नहीं चाहिए? ये सवाल है। देखिए दीपक जी, आपने बात कही कि सब जगह विरोध कर रहे हैं और राजस्थान में वोट नहीं चाहिए। पहले जो दर्शक है वो रामेश्वर जी ने जो सवाल पूछा, तो रामेश्वर जी को बता दूं, पहली बात तो रामेश्वर जी को क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा में अगर हम देश के और समाज के हित में कोई कदम कहीं भी उठ रहा है ना, तो वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं होता है। अब आप राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में विरोध क्यों नहीं हो रहा है, देखिए क्यों नहीं, कांग्रेस सरकार देखिए राजस्थान के, ये कह रहे कांग्रेस सरकार नहीं हो रहा है, या आप उनसे मिले हुए हैं? दीपक जी, कल ही सतीश पूनिया जी ने, राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, इसी बात के ऊपर उनका बयान आया है, रामेश्वर जी से कहिए उसे देखें, उन्हें सब कुछ क्लियर होगा। राजेंद्र राठौड़ जी ने इसके लिए बोला है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर ने इसके लिए कहा है, सब लोगों ने इसके लिए कहा है, ऐसा नहीं है, हर आदमी मेरी खुद उनसे व्यक्ति वो कम्बल जारी भी है, घर पे सड़कों पे नहीं उतर रहे, वो सरकार से मिले हुए हैं, राजस्थान की सरकार से। कौन कौन सड़कों पे नहीं उतरा हुआ है, सड़कों पे कैसे नहीं है, आप ये बताएं कि सड़कों पर जनता को, अरे दीपक भाई अरविंद जी एक मिनट इनकी बात का जवाब दे दूं, रामेश्वर जी को बता दूं, उन्होंने कहा कि सड़कों पे नहीं उतर रहे, क्या हमारा काम ये नहीं रहा कि हम जनता को त्रस्त करने के लिए नहीं आते, हम जहाँ पे जगाने का काम होता है ना वो हम कर रहे हैं, और विरोध का जो काम है उस बॉलीवुड का, उस अभिव्यक्ति का विरोध करना है, उसके लिए जो प्रॉपर प्रक्रिया में लिखना है, वो सब काम हमारे यहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं और नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक बात कहूं, सैफ अली खान को एक बार राजस्थान में हम बताएंगे विरोध कैसे, अरे सैफ अली को क्यों बात कर रहे हैं आप, सैफ अली आप लोग देखिए एक बार राजस्थान एक्टर है, सुनिए
सुनिए मोहम्मद रफी साहब सुनिए, एक मिनट ये सब सड़कों वाली बातें सुनिए, ये आप विरोध विरोध और विरोध का तरीका ना आपका बिल्कुल गलत है। जब आपके पास नहीं ये विरोध नहीं करते है, सिर्फ अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं आपके पास कानून है, आप एक ही बात कीजिए अभी एक घंटे में, आप कीजिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर करते हैं, उनको अरेस्ट करने जाना है। मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूं, अरविंद कुमार उनके घर के बाहर जाके मैं बोलता हूं, मैं धरना डालता हूं अकेला। और कल आप बोलिए ना, आप इतने लोग धरने क्यों डाल रहे हो? आप देखिए कल, अरे केस क्यों दर्ज कर? अरे मेरे भाई ठीक है आलोक जी, आप कार्रवाई करेंगे ना ये पुलिस को अलाउ? कुछ नहीं होगा। क्यों अशोक गहलोत पे क्यों जा रहे हो? क्या पिक्चर वाले अशोक गहलोत ने बनाया आपको? अशोक गहलोत ने भेजा है क्या? नहीं, आपके 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 वसुंधरा जी ने आपको समझाया, आपको वसुंधरा जी ने बोला कि आप अशोक जी का नाम लेके बात कीजिए, हमारा धर्म खतरे में। अरे भाई क्यों नहीं गए आप बताओ? जिसके पास सत्ता होगी, जो मुख्यमंत्री होगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है उस पुलिस को आगाह करने की? क्या हाल हो रहा है इन्होंने? अरे आगाह क्यों करो? अरे आप सरकार देखिए, आप सरकार में नहीं होते तो हम सरकार में आते ये बदल देंगे, हम सरकार में आते ये कर देंगे, सरकार में आते पेट्रोल का खत्म कर देंगे, सरकार में आते सिलेंडर का सब कुछ कर देंगे। तो ये कानून नहीं, सुनिए आज भी जनता ने, जनता जितने आपको साथ दिया ना, इसलिए आप लोग सिर्फ सड़कों का काम मत कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। अब भी आप अपनी मीटिंग बुलाइए, पीएम साहब को बोलिए कि मन की बात छोड़िए, धर्म की बात आ रही है, आप पहले ऑर्डर दीजिए कि सारे जितने लोगों ने फिल्म बनाई है इस मैटर पे, उनको सबसे पहले पेनल्टी डाल के अंदर डाल दीजिए और वो वेब सीरीज वो सीधे के सीधे ब्लॉक कर दीजिए। ये सब काम होगा भाई साहब। अब सुनिए, अब हम देखते रहे, सुनिए समय हमारा पूरा हो रहा है और मैं चलते चलते आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप 30 सेकंड्स में अपनी अंतिम व्यूज जो है, अपनी अंतिम जो बात है वो हमारे आज के कार्यक्रम में रखें, ताकि इसका निर्णय जो है वो आम जनता करेगी कि उसको क्या करना है। सबसे पहले आलोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए कि बीजेपी अब आगे क्या कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो किसी भी धर्म के की जो मर्यादा है उसको तोड़ रहे हैं या किसी भी धर्म को आहत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? जी आलोक जी। देखिए दीपक जी, सर्विस प्रति समावेश और सबका साथ सबका विकास की बात हम हमेशा करते हैं, और जब इस बात को लाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप वोट की राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप इस बात पर कहें तो अब तक सीधी सी बात है कि चाहे आप हमें हिंदूवादी कह लीजिए, स्वीकार करता हूं, अगर आप हिंदूवादी का हमारे पे आक्षेप लगाएंगे तो उसे भी स्वीकार नहीं, आक्षेप नहीं है। हिंदू मैं पूरी तरह से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। दीपक जी हम हिंदुत्व को जगाएंगे, तो दीपक जी अब हम हिंदुत्व 30 सेकंड में, मैं तो यही कहूंगा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हिंदुत्व को जगाएंगे और इस राक्षसी मानसिकता के जो लोग हैं ना, जिनको मैंने एक बार पुनः बहुत अच्छा शब्द भी दिया था, फिर कह देता हूं कि इन जैसे असुरों को, इन जैसे सुअरों को, इनकी औकात हम ही दिखाएंगे, तभी सब कुछ संभव हो पाएगा। आज नहीं तो कल। अब आप देखिए तांडव आप होके रहेगा, तांडव तो इन्होंने तो शब्द बना दिया, इनको सही में तांडव जो है ना वो हम दिखाएंगे, और जब तक इन जैसे अमानुष लोग बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अगर इसी तरह का चलता रहा तो यही हाल होगा। जी देखिए आलोक जी के विचारों के बाद अब मैं पारस हेमलता जी आपके पास आना चाहूंगा, आप चलते 30 सेकंड्स में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शक से ये कहना चाहती हूँ कि अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, तुम्हारे धर्म का कोई भी अपमान करे उसे रियल में अब तांडव बन के दिखाओ। जी बस यही कहना है, जब तक हम तांडव नहीं बनेंगे हमारे धर्म का यूं ही अपमान करते रहेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो सारे लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सिटी लाइव के माध्यम से? सिर्फ इतना ही कहूंगा दर्शकों को कि दर्शकों सबसे पहले तो ये जो हम धर्म की बात करें ना, उससे ज्यादा इंसानियत की बात करें, और रही बात जो गलत हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई भी गलत हो, उससे उसी टाइम पे सजा दो, ये धरने पढ़ने ये सब टाइम पास है। आपको कानून किसने दिया है? क्या धरने देने के लिए दिया हुआ है? क्या मार्केटिंग के लिए दिया हुआ है? आप अगर मैं गलत हूं, मैं प्राउड फील करता हूं मैं अपने हिंदुत्व पे, पर हिंदुत्व ये सिखाता है दूसरों को भी सम्मान देना सीखो। अगर एक चोर है तो उसके साथ दूसरे को चोर साबित करना ये भी धर्म सिखाता है। तो आप सबसे पहले, मैं आप सबसे आलोक जी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, फिर पारस जी से भी विनती करता हूं, अपनी सोच सिर्फ समाज तक मत रखिए, हिंदुस्तान सबका बनाया हुआ देश है। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद रफी साहब से लेके मैं अमिताभ बच्चन तक का सबका फैन हूं, लेकिन यहां पे अगर सैफ अली गलत है तो उसकी पूरी टीम को सजा देने की बात है। धरने देके टाइम पास ना कीजिए, इसमें आप तो सब सेफ हो जाते हो लेकिन बेचारा जनता क्या था, रोड पे जाके परेशान होते, उसकी परेशानियां ना आपको लेना देना है ना किसी और को लेना देना है।
बेस्ट है, कानून का अगर आप बात करो ना तो समाज मेरी प्राथमिकता है, समाज मेरी प्राथमिकता। हाँ तो आज कीजिए, आज आलोक जी आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है। जय श्री राम, ये सब बोले, एक मिनट चले, अभी अभी एक काम करे, एक काम करते, फिर 33 कोटी देवी देवता नाम बोलना बंद कीजिए, सिर्फ जय श्री राम बोलते रहिए, मैं जय श्री बोलता हूँ, चलिए आप बोलिए बार बार, ये ड्रामा बंद कीजिए, जय श्री राम बोल बोल के समझ में आई आपकी बॉलीवुड की मानसिकता, इसीलिए ना आगे आगे ना आपको आपका प्रॉब्लम क्या पता, आपको भोलेनाथ कहलाता है तो मेरा भोलेनाथ तांडव करके भी दिखा सकता है, तो करो ना कानून देखा, आप एक काम कीजिए, आप आज नहीं ये सब ड्रामा बंद कीजिए, आप अभी आज का शाम को पूरी बीजेपी के साथ मैं खड़ा रहता हूँ, उनके बंगलों में जाकर मैं खड़ा रहता हूँ, आप एक ऑर्डर पास कीजिए कि सारे के सारे लोगों को कल का कल जेल में डालना है, मैं खड़ा रहूंगा अकेला, अरविंद कुमार मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, चलेगा, बाकी ड्रामा बंद कीजिए, ये बॉलीवुड नहीं है, जितनी नेतागिरी जितनी हम लोगों को डिस्टर्ब करती है उतना बॉलीवुड डिस्टर्ब नहीं करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे इस समय हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जो आपका अपना कार्यक्रम है आपकी बात हमारे साथ, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे थे तांडव पर, आखिर तांडव कब तक। दोस्तों जैसा कि हमारी पूरी चर्चा में निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि सबसे पहले आपको हमको सभी को जागरूक होना पड़ेगा और किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी तरह का आक्षेप न लगाएं, क्योंकि सभी धर्म जो है समान रूप से हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना सीखें, किसी एक धर्म को टारगेट करके किसी भी एक धर्म को लक्ष्य बनाकर उसके ऊपर पूरी तरह से प्रहार न करें, क्योंकि ये आपका अपना देश है, हमारा देश है और विविधता में एकता ही हमारे देश का मूल मंत्र है। अरविंद जी आपका बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात, आपका और पारस हिमलता जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप आज हमारे